मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय महिला थाने में शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है बताने जा रहा हूं। मित्रों, महिलाओं के साथ बहुत सारे अपराध लोग करते हैं। कोई व्यक्ति महिला का पीछा स्टॉकिंग करता है, कोई व्यक्ति महिला को जो चाहे वो 18 वर्ष से कम हो या बड़ी हो उसको घूरता है, कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाएगी उसके साथ मारपीट करता है, उसे छेड़ता है, परेशान करता है, घर में भी ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में महिला थाने बनाए गए राज्य सरकार की ओर से, क्षेत्राधिकार का भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, आप लिखित में भी, ईमेल से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वहां जाकर भी महिला थाने में प्रायः महिलाओं की नियुक्ति की गई है जिनको आप अपनी समस्या बता सकते हैं। पोस्ट के द्वारा भी आप मोबाइल नंबर अगर आपके पास कोई हेल्पलाइन का उपलब्ध है तो आप उसकी शिकायत वहां कर सकते हैं। मोस्टली महिला थाना इसलिए बनाया गया है कि महिला महिला की समस्या को ज्यादा अच्छे से समझती है, महिला वीकर सेक्शन है, ऐसा संविधान में व्यवस्था की गई है, उसे कमजोर पक्ष माना गया है। संबंधित क्षेत्राधिकार का हो या जीरो FIR जहां कोई घटना उसके साथ घटित हुई है वो संबंधित थाने में इस बारे में बता सकती है। वहां से वो जो निकटस्थ जहां का क्षेत्राधिकार है वो 0 FIR के बाद वहां केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। पीड़ित है, पति उसका परेशान कर रहा है, शराब पी रहा है, मारपीट कर रहा है, ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा है, तो यौन हिंसा की जा रही है, मारपीट की जा रही है, एसिड अटैक कर दिया गया है, टॉर्चर किया जा रहा है, सोशल मीडिया में उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, आसपास के लोग कोई परेशान कर रहे हैं, कोई मकान मालिक परेशान कर रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में महिला थाने पर लिखित में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायत करके उपचार प्राप्त कर सकती है। कहा गया है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो इसी के लिए महिला थाने गठित किए गए हैं जिससे महिला संकोच ना करे, घरेलू हिंसा अगर उसके साथ होती है तो सबसे पहले वो समझौते का रास्ता अपनाए और बात नहीं बनने पर वो FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा सकती है। तो सामान्य रूप से कोई भी घटना घटित होने पर महिला को यह अधिकार दिया गया है कि वो थाने में उसकी शिकायत करके उपचार प्राप्त कर सकती है। घबराने की महिलाओं को जरूरत नहीं है। अब जितने भी कानून है वो महिलाओं के पक्ष में अधिकांश हैं, और लेकिन उसका दुरुपयोग मेरा ऐसा सुझाव है कभी नहीं करना चाहिए। जो सही स्थिति हो, वस्तु स्थिति हो और जो घटना घटित हुई है उसी को आधार बनाकर रिपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह महिला थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और अपने क्षेत्राधिकार के थाने में लिखित में, ईमेल के द्वारा, EFIR या बाय पोस्ट या सोशल मीडिया से घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इस चैनल से जुड़े रहिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोस उपलब्ध हैं, महिलाओं से संबंधित काफी जानकारी भी इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।